आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इसके कुछ सेल्स के बारे में बात की थी या बैटरी के बारे में बात की थी। हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों की टाइप और उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सबसे अच्छे सेल जिसका नाम है फ्यूल सेल, जो जनरली हमेशा ही पेपर में देखा गया है। तो फ्यूल सेल क्या होता है देखते हैं। अभी फ्यूल सेल क्या बोला होती है, ये फ्यूल सेल वो होता है जो आपकी हाई इफिशेंसी होता है, एक तरह का गैल्वेनिक सेल आप इसे कह सकते हो, जो आपके एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है दूसरी एनर्जी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। ये बहुत अच्छा होता है, तो इसको देखते हैं, ज़रा डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होता है सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी of combustion of fuel directly into electrical energy। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। ठीक है, तो इस तरह होता है आपका फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल के बारे में पढ़ लिया, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। हाँ, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को, मीथेन को या मिथेनॉल को। तो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम इसे, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्यूल यूज़ करने का तरीका। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हाइड्रोजन के अलावा आप कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसे आप एज ए फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो मीथेन और मिथेनॉल होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल क्या क्या करता है, इसे आपका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली यूज़ भी इसका पूछा जाता है, यूज़ कहाँ होता है आपका ये। तो यूज़ होता है आपका अपोलो स्पेस में यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो अपोलो स्पेस में यूज़ होता है इसका। ठीक है, अपोलो स्पेस में, ठीक है, इसका यूज़ होता है। तो ये तो हो गई भाई आपकी फ्यूल सेल की बात। अब इसके डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका होता है डिवाइस कुछ इस तरह से। इस तरह से इसका ये डायग्राम होता है। यहाँ पे ये लाइनिंग नहीं है, आप याद रखिएगा। तो इस तरह से इसका एक डायग्राम होता है। ये डायग्राम भी कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसका रिएक्शन सिंपल है, इसीलिए आपके एग्जाम्स में ये ना के बराबर पूछा जाता है, पर याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो यूज़ होता है ना फ्यूल सेल का, उसमें वाटर भी बनता है, सबसे प्योर वाटर भी बन जाता है इसमें। तो ये भी याद रखते हैं कि इसमें एक प्योर वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2H2+O2, तो जो H2O अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, वो सबसे प्योर वाटर होता है। तो ये हो गए आपके फ्यूल सेल की बात। ठीक है, अब फ्यूल सेल के बाद हम कोरोजन की बात करेंगे। अब ये कोरोजन क्या बला होती है, ये कोरोजन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने 9th से लेकर अभी तक पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, क्रोजन की बात करते हैं। क्रोजन क्या होता है, हिंदी में से जंग कहते हैं। तो क्रोजन आयरन के ऊपर, हमने जनरली देखा है, तो क्रोजन आयरन के ऊपर होता है, जो आपकी वो ब्राउन ब्राउन रंग की परत चढ़ जाती है, उसे हम क्रोजन कहते हैं, बेसिकली जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, जब आपके मेटल को कोई एक चीज़ खा जाए या कोई जो उसके पे बन रहा है वो उसे खा जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे जंग कहेंगे। तो ये किस तरह से होता है, अब इसे केमिस्ट्री की तरह देखते हैं। व्हेन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए ऑक्साइड लेयर विच ईट द
मेटल तो स्लोली, तो इसे आप क्या कहोगे, कोरोजन। ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। ठीक है, आयरन का रस्टिंग होना मतलब आयरन का कोरोजन होना रस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, अब लग रहा है तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये हो रहा होगा, तो डिपेंड किस पे करता है, पहले बात करते हैं, डिपेंड करता है नेचर पे, आपके मेटल का जो नेचर है, नेचर ऑफ मेटल, तो मेटल पे ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। देखो, ग्रेटर द रिएक्टिविटी टी ऑफ मेटल, ग्रेटर द रेट ऑफ कोरोजन। ठीक है, ग्रेटर द रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो होता है आपका, जैसे कि आयरन को ही ले लेती है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ग्रेटर द रिएक्टिविटी ग्रेटर द कोरोजन। तो ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया डिपेंडेंस में का। ओके, अब प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, अब जंग लग रहा है तो प्योर में, तो एक बात याद रखने वाली है, प्योर में कभी जंग, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी भी इसका बेसिक होता है, जितनी इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी उतना मेटल में कोरोजन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो कोरोजन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मॉइस्चर की बात कर लेते हैं, इसलिए सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपका, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड CO2, जितना मॉइस्चर आपके पास ज़्यादा होगा उतना कोरोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉइस्चर के लिए। अब चौथे की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसका, तो कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, आपकी रिएक्टिविटी बढ़ा देगा और जिससे वो ऑक्साइड जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कोटिंग भी हो सकता है आपका रीजन, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कोटिंग। अब एक्सटर्नल कोटिंग, जैसे कि हम किसी मेटल वाली चीज़ पे क्या करते हैं, हम उस पर कलर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है ऑक्सीजन और मेटल के बीच का वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो जिससे आपके जो मेटल वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो कोटिंग का ना होना भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे आपके घर का दरवाज़ा उस पर आप पेंट कर देते हैं, हर दिवाली पर पेंट करते हैं आपसे, तो क्यों करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम उसे कोरोजन से या मॉइस्चर से हम उसे बचाते हैं, जिससे कोरोजन ना हो, जिससे उस पर किसी प्रकार का ऑक्साइड का लेयर ना बने। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका कोरोजन। ठीक है, अब इसके बात करते हैं मेथड क्या होते हैं इसके, होते तो वैसे बहुत सारे मेथड हैं पर हम सिर्फ दो मेथड की यहाँ बात करते हैं, हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम जिंक का, जो जिंक कार्बोनेट का एक लेयर बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड का लेयर बनाते हैं, उसे हम आपके जो मेटल है उसके ऊपर एक तरह का कोटिंग कर देते हैं, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ से याद रखिए कि आप इसका मेथड क्या क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड होता है, उस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, उसी तरह से करते हैं, हम इसका करते हैं कि पाइप को, जो अंडरग्राउंड पाइप होता है ना, उसमें हम जो अंडरग्राउंड पाइप होगा उसमें हम जिंक या मैग्नीशियम को कांटेक्ट कराएंगे। ठीक है, कनेक्ट करेंगे उस मेटल के साथ, तो मेटल क्या करेगा कि एयर जो होगा, जो एयर के साथ ये रिएक्शन करेगा वो लूज़ करता जाएगा ऑक्सीजन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता चला जाएगा, और इससे क्या होगा, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का लेयर चढ़ता चला जाएगा, जिससे आपका कोरोजन डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसे आप कह सकते हो कि ये होता है कोरोजन को कम करने का मेथड। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो गया है, इसके कुछ